यार बुरी इतनी किस्मत है कि आजकल बच्चे भी भाव नहीं देते हैं, इतनी बुरी किस्मत हो रखी है अपने। अब आप लोग बताइए क्या करें कि बच्चे मुझे भाव देने लगे। बड़े इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का वर्मा आज आपको 15 डेज की सीरीज के थर्ड ब्लॉक पे आई हूँ। आपको आज शाना के रिव वर्ल्ड रिजॉर्ट के लिए लेकर आई हूँ। यहाँ का पूरा व्यू करेंगे कैसा रहा। आप लोग भी मेरे चैनल पर अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आप सभी के लिए, ये सेकेंड टाइम मैं इसी जगह की सेम जगह की आप वीडियो शूट कर रहे हैं, दोबारा से पूरा घूमेंगे। और होप सो आपको ये चैनल पसंद आया हो, आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो। सी आपको मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। ये देखिए बाहर खाने का भी मिलेगा। सामने ये टिकट काउंटर है, अभी लेते हैं टिकट। बहुत लोग आते हैं, बच्चे, फैमिली पार्क ही है ये। हमने ले ली टिकट, ठीक है ना। और ये जो कि आप देख सकते हो टिकट है जस्ट 10 रुपीज की। अब ये टिकट हमें लेके जानी है। सो अभी हमें ना अपनी एंट्री करने के चलना है उन मैडम जी के पास। और इस पार्क की लोकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है। और वैसे तो मैं आपको बता भी देती हूँ, ये आशियाना में आशियाना सेक्टर जी लगता है, LDA कॉलोनी कारपोरेट लखनऊ, ये इसका कंप्लीट एड्रेस है। देखिए कितना ऑसम पार्क है ये, इसका एंट्री गेट है पास। अभी हम अंदर भी देख चल के देखेंगे। ये फैमिली पार्क बहुत क्यूट है। देखिए बाहर शेर भी बने हुए हैं, आप इनके साथ अच्छी अच्छी फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। कितना प्यारा व्यू है ना। फोटो के लिए, फोटोशूट के लिए आप जरूर वन टाइम आइए, बच्चों को लेकर आइए। झूले भी हैं, ट्रेन भी है और बहुत ऑसम है। चलो अब आगे चलते हैं ना। ये देखिए कितना अच्छा है ना ट्रेन, बच्चों के लिए ट्रेन के लिए बहुत अच्छा सफर है। ये ट्रेन आपको पूरे पार्क का राउंड कराती है। अभी आप इवनिंग में देखिए कि ट्रेन चलेगी भी, तो जब तक ये लोग फुल लोड करते हैं ना, हम लोग पूरे पार्क को देख कर आते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, दैट बिकॉज यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा भी दे रखी है इन लोगों ने। ये वीमेंस के लिए है। ओके नेक्स्ट आप थोड़ा सा आगे देखो कि हाँ मेंस के लिए भी, पुरुषों के लिए भी दे रखा है। हम और आगे चलते हैं। आगे आपको गोस्ट हाउस भी मिलेगा, गोस्ट हाउस भी मिलेगा। ये वन वर्ल्ड है और इसका टिकट प्राइस 80 रुपीज़ है, जो कि आप देख रहे हो मैंने इसे मेंशन भी कर दिया है। ये हमारा गोस्ट हाउस है, यहाँ का भी सेम टिकट है 80 रुपीज़। कितना ऑसम है ना। और जिनको एडवेंचर का पसंद है ना, जिनको स्केयर मतलब हॉरर पसंद है, वो ज़रूर जाए। मैं अभी गई हूँ, वन टाइम गई हूँ, बट स्टिल मैं आप लोग और बहुत अच्छा था और आप लोग को भी रिकमेंड करूँगी, आप लोग भी ज़रूर एक बार यहाँ ज़रूर जाइएगा। अभी और आप आगे हम लोग एंटर करते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो आगे गेम जोन भी है, कितना सुंदर है ना, बहुत अच्छा है। ये पार्क अभी आशियाना में ही है। आशियाना में ऐसे बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पर आप घूमोगे ना तो बहुत अच्छा, मतलब आपको वॉकिंग के लिए एरिया भी बहुत अच्छा मिलेगा, गेम जोन भी अच्छे हैं। अब देखिए ये पूरा इन्होंने कवर कर रखा है, यहाँ टोटल गेम्स है, कितना एरिया दे रखा है। आगे थोड़ा सा क्रॉस करेंगे सो आप सामने देखिए पूरे आपको झूले वूले मिलेंगे, बच्चे हैं बड़े हैं सबके लिए झूले अवेलेबल हैं और हर झूले का अलग प्राइस टिकट्स है, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है नॉर्मली। अब हम थोड़ा सा और पार्ट आगे बढ़ा, यहाँ बच्चे टाकोंडो भी सीखते हैं, यहाँ टीचर, ये जो मैम खड़ी है ना सामने भी देखिएगा, ये मैम, अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए जो मैम खड़ी हैं ये टाइकोंडो सिखाती हैं। और एक्चुअली कुछ नॉर्म्स हैं इनके कि ये शूट नहीं दे सकते हैं, हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल बहुत ऑसम है। मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, स्टार्टिंग से ऑब्वियसली बात है, देखिए बच्चों को स्टार्टिंग से जो चीज़ सिखाई जाती है ना उनके लाइफ टाइम के लिए रहती है। ये मैडम थी, देखिए उन्होंने ड्रेसअप भी पहन रखा है बच्चे ने। अभी लोग जा रहे हैं क्योंकि इवनिंग का आज थोड़ा मुझे लेट हो गया, एक्चुअली ऑफिस के बाद का ही सारा मैं करती हूँ, शूट करती हूँ, और मेरा ऑफिस 6:30 के बाद ही मेरा ऑफ होता है, सो इसलिए थोड़ा सा आज लेट हो गया, बट स्टिल आप लोग ज़रूर आइएगा। और ये देखिए एक छोटी सी क्यूट सी बीबी को मैंने शूट ज़रूर कर लिया, कितनी प्यारी है ना, बहुत शरारत कर रही थी, इधर से उधर उधर से घूम रही थी, लेकिन बहुत प्यारी है, ठीक है, बच्चे तो प्यारे होते ही हैं।
सो आप अपने बच्चों को जरूर यहाँ लेकर आइए घूमने फिरने के लिए, और जो मिंगल हैं वो भी आ सकते हैं, और जो सिंगल हैं उनके लिए तो मोस्ट वेलकम है, और जो फैमिली के लिए तो बहुत ही ऑसम पार्क है बच्चों के लिए। देखिए कितने सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर आप इतनी अच्छी अच्छी फोटोशूट किए। यहाँ अभी बज रहा है 7 बज रहा है, और 7 बजे के आसपास का ये लाइट जब चल चुकी है, कितना प्यारा व्यू है ना। देखिए झूले भी हैं, और यहाँ पर कैंटीन भी है, फूड कोर्ट का भी एरिया दे रखा है। आज मैं सेकेंड टाइम आई हूँ यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो शूट करने के लिए। अभी तक ट्रेन और बच्चे बाकी हैं। एक्चुअली आप मॉर्निंग में भी आ सकते हो वॉकिंग के लिए, तब उस टाइम पे आपका कोई भी कॉस्ट नहीं है, बट इस टाइम पे आपके 10 रुपीज़ और 10 रुपये में यार इतना अच्छा पार्क है बच्चों के लिए। अभी मैं आपको और भी दिखा रही हूँ बच्चों के लिए, यहाँ पर झूले भी हैं और बड़े भी हैं, बहुत सारे गेम्स के सेंटर्स भी हैं, गेम जोन भी है जो आपने आगे की वीडियो में देखे, और अब जो कंटिन्यू हम करेंगे उसमें आप देखिएगा बैठ के खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी बहुत क्यूट क्यूट से बनाए गए हैं। अच्छा है, बहुत प्यारा है, नाइट व्यू तो इसका बहुत प्यारा है, और मॉर्निंग के टाइम पे ज़रूर आइए। मॉर्निंग में आप वॉकिंग के लिए बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर, आप फैमिली पार्क है ये, आप सबके साथ आ सकते हैं। सो मैं आपको फूड कोर्ट अब दिखाती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक अच्छा सा बिंदास सा क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, और जो वो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। अब चलते हैं, मैं आपको फूड कोर्ट की तरफ ले जाती हूँ यहाँ के। तो अभी देखिए ट्रेन में बच्चे बैठ रहे हैं, ट्रेन चलने जा रही है, और अब हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। देखिए कितना सुंदर हो रखा है ना, लाइटिंग का भी कितना प्यारा है, इवनिंग में भी बहुत सुंदर है, और मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। सो मॉर्निंग में भी एक बार ज़रूर आइएगा आप लोग, और उस टाइम पे तो एंट्री फीस भी नहीं है। यहाँ पर छोटा सा एक स्विमिंग पूल टाइप में भी दे रखा है जिसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो, उसका अलग चार्जेस है, और ये कैंटीन का एरिया है। देखिए झूले भी हैं। अभी एक्चुअली ना कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट, बहुत बुरा इंसिडेंट जिसमें से मेरे बाल ला दिए, आप समझो बच्चे हैं। अब वो क्या इंसिडेंट है वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। अभी यह है ना, ये देखिए कितना सुंदर व्यू दे रखा है ना, यहाँ पर एक चिंपैंजी भी बैठा हुआ है जिसके साथ बैठ के आप बहुत सारी क्लिक करवा सकते हो। ये भैया वहीं बैठे हुए, देखिए चिंपैंजी, ये देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है ना, कितना सुंदर है। आप इस साइड देखोगे तो इधर छोटी इधर छोटे छोटे झूले भी लगे हुए हैं, आपका ट्रेन छोटी सी ट्रेन भी है, देखिए कितनी क्यूट सी बेबी है ना जो झूले पे झूल रही है, मैंने उसका भी वीडियो शूट किया है। ये देखिए जिनको जिनको झूले पसंद है, पूरा फैमिली मतलब समझिए पूरा फैमिली पार्क है, सिंगल मिंगल सब आ सकते हैं यहाँ पर फैमिली के साथ अपनी। ये देखिए कितनी क्यूट बेबी है ना, ऐसे आप भी अपने बच्चों को देखकर आ सकते हैं। अब देखिए ट्रेन आ चुकी है, और मैं भी थोड़ी बहुत मज़े कर ले रही हूँ, आप लोगों से भी कहूँगी आप लोग भी यहाँ पर मज़े करने के लिए, डांस के लिए, फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए बिल्कुल अब बज रहा है रात के आठ है, अब हम वापस घर प्लेन करते हैं। और अगर वो फिर आप लोग मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो मेरे को एंटर कर लेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा मेरे रियल स्टेट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन है, और देखते हैं आपको किसको किसको इसके बारे में पता है। देखिए बाहर कितना सुंदर व्यू है ना, आप यहाँ पर भी फोटो क्लिक करवा सकते हैं इवनिंग के टाइम पर, शेर भाई साहब के पास भी। अभी ये दवा तो है सबसे जी लगता है आपको, थैंक यू सो मच। आज होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अब मैं घर भी आ चुकी हूँ, और मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था कि लास्ट में अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो एक नहीं आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है कि बताइए व्हाट इज रेरा, RERA। अब देखते हैं किसको किसको नॉलेज है रेरा के बारे में, जिसको नॉलेज है डेफिनेशन पता है या फुल फॉर्म पता है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइए रेरा क्या होता है, और आप रियल स्टेट के बारे में कितना जानते हैं। आशियाना का ये थर्ड डे का ब्लॉग था जो कि मैंने सेकंड टाइम रिपीट किया है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और आप हमें भी ज़रूर बताइएगा कि हमारी किन किन वीडियोज़ को देखने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमने गए, और आप नेक्स्ट ब्लॉग हमारा नेक्स्ट वीडियो आशियाना में किस सेक्टर से चाहते हैं कि कहाँ की हमें बनानी चाहिए। और होप सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो आपको लाल बटन दिख रहा है ना बेल आइकन, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।
पैसा ही पैसा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इसमें क्या और अपडेट करूँ। और आप बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। शुभ रात्रि।